इंडिया के टॉप ओलंपिक मोमेंट्स में आज बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। उन्नीस सौ छियानवे के अटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस के ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही भारतीय एथलीट्स का ओलंपिक कॉम्पिटिशन में मानो खुद पर यकीन लौट आया। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जब मल्लेश्वरी ने स्नैच कैटेगरी में 110 किलो और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 130 किलो यानी कुल मिलाकर 240 किलो वजन उठाया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। वुमेन्स वेट लिफ्टिंग को सिडनी ओलंपिक्स में पहली बार इंक्लूड किया गया था और पहली बार में ही भारत की एक एथलीट ने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इस ओलंपिक मेडल का कमाल ही रहा कि रातों रात कर्णम मल्लेश्वरी का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। मेडल जीतने पर उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फोन कर मुबारकबाद दी और कहा, तुम भारत की बेटी हो। गर्व का ये लम्हा मल्लेश्वरी की कड़ी मेहनत का नतीजा था। मल्लेश्वरी ने अपनी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। सिडनी ओलंपिक के मेडल से पहले ही वो वेट लिफ्टिंग में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी और कुल मिलाकर 29 इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी थी। कर्णम मल्लेश्वरी को भारत के ओलंपिक इतिहास में खास स्थान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि उनकी इस जीत ने आने वाली युवा महिला एथलीट्स को प्रेरित किया है। खेल चाहे जो भी हो, मल्लेश्वरी की जीत ने हर लड़की में ये विश्वास जगा दिया कि यदि वो मेहनत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इंडिया के टॉप ओलंपिक मोमेंट्स के ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।